भुवनेश्वर नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चांदे 27तम प्रधानमंत्री भाव में अवस्थापित होगा सहित मोट चारि थर से पदर रही 79 वर्ष बहादुर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेता थे। तत्कालीन भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समय बंधुता सहित भारत और नेपाल संपर्क बेस उच्चकोटीर बोली लोकेन्द्र बहादुर चांदे भुवनेश्वर गस्त समय सहित अधिक आलोचना करम प्रतिनिधि अतुल्य बाउत कहीं क्यों अमल रही भारत सहित नेपाल संपर्क एकमात्र देश जो कि आवश्यक पड़े स्वतंत्र विजार यही स्पष्ट हुए ओडिशा तथा भारत नेपाल सहित केते संपर्क निबिड़ अवसर में आमको सुजोग मिली नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चांद सहित आलोचना करार ओडिशा गस्तर तक स्वागत करा पहले तो सर स्वागत है ओडिशा में हम लोग जानना चाहेंगे ओडिशा आने की वजह दर्शन करने के आया हूँ मंदिर को। भारत के लोग जब सोचते हैं कि अब कहाँ जाएंगे पहले घूमने के लिए पहले दिमाग में आता है हम लोग नेपाल जाएंगे। ज़्यादातर हिंदू धर्म का राष्ट्र जो माना जाता है और ज़्यादातर मंदिर भी वहाँ पे भारत को छोड़कर अगर देखा जाएगा वहाँ पर देखने को मिलता है। आप लोगों को कैसा लगता है जब भारत के लोग आपके वहाँ पर जाते हैं नेपाल में घूमने के लिए या फिर मंदिर दर्शन करने के लिए? बहुत अच्छा लगता है। इसमें आते हैं लोग बहुत सारे, फिर शिवरात्रि से पहले तो बहुत भीड़ हो जाती है। आपके पीएम के वक्त जब आप प्रधानमंत्री थे तब उस टाइम ऐसी कुछ नज़ारा है आपके दिल में जो भारत को लेकर आपके दिल में है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? एक रास्ता निर्माण का बात चल रहा था तो कम बीड और कंपनी ने किया था पर भारत से अनुरोध गया तो भारत को ही दिया गया। वो आगे जाकर जैसे और कैसे रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगा इसके बारे में आपका कुछ क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं ठीक है, अब दोनों देशों को एक दूसरे के हित के आधार पर एक दूसरे के भलाई को एक दूसरे की प्रगति को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना चाहिए। जब माओवादी का आंदोलन चल रहा था तो उसमें ज़रूर ये समस्या थी मंदिरों का लूटपाट मंदिरों को नष्ट करना, पर अभी वो भी शांतिपूर्वक इधर चले आए तो अभी तो कुछ नहीं है। पर आप जानते हैं कि कोई धर्म इस तरह की चीज़ को कोई कम्युनिस्ट तो उसको आगे नहीं बढ़ाएगा प्रमोट नहीं कराएगा। और जो आपके पास सबसे बड़ा हिमालय है बहुत सारे पर्यटन का उसके विकास के नेपाल में ठीक ठाक हो रहा है फिर और ज़्यादा होना चाहिए आपको? और ज़्यादा होना चाहिए, अब कभी ठीक ठाक तो ये हो गया और अब नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी। अब थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है पर अभी और ज़्यादा होना ज़रूरी है, और ज़्यादा होना चाहिए। कुछ जिज्ञासा करेंगे आगे पहले फिर से आएंगे उड़ीसा और जगन्नाथ जी का? नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ, अब उनकी कृपा की बात है पर मैं सोच रहा हूँ कि फिर आऊँ। अब उड़ीसा बहुत अच्छी जगह, भुवनेश्वर बहुत अच्छी जगह लगी। जब अटल जी ने भारत में प्राइम मिनिस्टर थे तब आप नेपाल में था, उनके साथ कैसे आपका जो रिलेशन था? नेपाल के प्रति उनका बहुत स्नेह था जब वो पहले दफे गए वहाँ जनता पार्टी को, उसमें तो उन्होंने कहा कि ये नेपाल वैसी जगह है जिसके कण कण में शंकर है, तो इस तरह का भाषण दिया था उन्होंने जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आलोचना करने के लिए। आपण शुणुले नेपाल पूर्वतन प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चांद सहित आलोचना विशेषकर ओडिशार नेपाल सहित संपर्क भारत नेपाल सहित संपर्क विषय आलोचना करते और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जो पर्यटन जो कथा कहते भारत और नेपाल जो पर्यटन संपर्क रही बे निबिड़ रही सहित जो चारिधाम भितर जगन्नाथ पुरी धाम से देखिपारी नाँ आउ थे इच्छा रही आग्रह रही पुनर्बार ओडिशा गस्तर आसवे एवं जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अमूल्य का अतुल्य बाउत ओटीवी।